YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चांदनी का आखिरी सफर में, और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे अपने शानदार अभिनय से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की। तो बॉलीवुड की हवा हवाई का शनिवार देर रात निधन हो गया और आज दोपहर करीब 3:30 पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर अंधेरी के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में रखा गया है और वहीं से दोपहर 2:00 उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। अंधेरी स्थित सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स में विले पार्ले की दूरी 7 किलोमीटर के करीब है और श्रीदेवी का अंतिम संस्कार विले पार्ले के शमशान घाट में किया जाएगा। उनके निधन से पूरा माहौल गमगीन है, हर तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि उनके निधन के तीसरे दिन कल यानी मंगलवार रात उनका पार्थिव शरीर दुबई से मुंबई पहुंचा। श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनका निधन एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी दुर्घटनावश डूबने से हुआ है। बॉलीवुड की रूप की रानी श्रीदेवी का आज मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12:30 तक अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और आज शाम को 3:30 तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, यानी कि उससे पहले आज अंतिम दर्शन श्रीदेवी के लोग कर पाएंगे। उसके बाद अंतिम यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी। 3:30 SB रोड स्थित विले पार्ले वेस्ट सेवा समाज शमशान घाट पर अंत्येष्टि होगी। इससे पहले मंगलवार को श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जब मुंबई पहुंचा, तब कई सेलिब्रिटीज कपूर परिवार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि श्रीदेवी के शव को देखकर सलमान खान खुद पर काबू नहीं रख पाए और रो पड़े। सलमान खान ही नहीं बल्कि आज श्रीदेवी के करोड़ों फैंस की आंखें नम है और वो अपनी हीरोइन को अलविदा कह रहे हैं। मंगलवार को रात करीब 9:30 बोनी और अर्जुन कपूर समेत परिवार के अन्य सदस्य श्रीदेवी का शव लेकर दुबई से मुंबई पहुंचे। श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से लाया गया और अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ अनिल भी मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एक्टर और श्रीदेवी के देवर अनिल कपूर भी अपनी भाभी के पार्थिव शरीर के इंतजार में एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर हजारों प्रशंसकों की भीड़ भी मौजूद रही। श्रीदेवी की बेटियां खुशी और जानवी, पति बोनी कपूर और समूचे कपूर परिवार की तरफ से जारी बयान में मीडिया का उसकी संवेदनशीलता और भावुक क्षणों में समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी किया गया। श्रीदेवी के निधन से पूरा माहौल गमगीन है, हर तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में फैंस का जमावड़ा भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि उनके निधन के तीसरे दिन यानी कि मंगलवार रात उनका पार्थिव शरीर दुबई से मुंबई पहुंचा। श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनका निधन एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी कि दुर्घटनावश डूबने से हुआ। भले ही अब वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन सदियों तक उनके नाम को हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। हम सबकी चांदनी यानी श्रीदेवी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करीब 4 साल से की थी। 4 साल से उन्होंने फिल्मी जगत में अपने अभिनय की शुरुआत की। लंबी पारी उन्होंने खेली, करीब 300 फिल्में श्रीदेवी ने की हैं, 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है और आज बॉलीवुड में हर कोई सकते में है, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था महज 54 साल की उम्र में श्रीदेवी हम सभी को छोड़कर चली जाएगी। बॉलीवुड में शोक की लहर है, हर कोई शोक में डूबा हुआ है और कह सकते हैं कि श्रीदेवी को आज सभी याद कर रहे हैं। आज करीब 3:30 श्रीदेवी का अंतिम संस्कार विले पार्ले के शमशान घाट में किया जाएगा और बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंच रही हैं। 12:30 तक श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया था, लोग यहां पर आ रहे थे। श्रीदेवी के फैंस की बात करें तो कईयों की संख्या में जो श्रीदेवी के फैंस थे उनका जमावड़ा देखने को मिला। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए थे और फिल्मी जगत के जाने माने सितारे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची, क्योंकि किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि श्रीदेवी
अब हमारे बीच नहीं रही हैं, क्योंकि 54 साल की उम्र में श्रीदेवी हम सभी का साथ छोड़कर चली गई। और चांदनी की अगर सफ़र की बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय से सभी को अपना कायल बनाया हुआ था और फिल्म जगत में एक अनोखी छाप उन्होंने छोड़ी थी। अगर बात करें श्रीदेवी के अभिनय की तो लेडी अमिताभ बच्चन श्रीदेवी को कहा जाता था और हर कोई उनकी एक्टिंग का दीवाना था। कभी उन्होंने हंसाया, कभी उन्होंने रुलाया, कभी उन्होंने गुदगुदाया, तो हर किसी को उन्होंने अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से, अपनी अभिनय से सभी के दिल पर राज किया है, सभी के दिल पर अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन आज वही श्रीदेवी, वही चांदनी हम सभी को रुलाकर चली गई है, हम सभी के बीच में नहीं है और बॉलीवुड में शोक की लहर है। तो शनिवार को श्रीदेवी की मौत हुई थी। दुबई में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, जिसके बाद कल उन्हें मुंबई वापस लाया गया। मुंबई में पार्थिव शरीर जो है वो श्रीदेवी का वापस आ चुका है और 3:30 बजे के करीब आज उनका दोपहर को विले पार्ले के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर दुबई से वापस भारत आ चुका है। आज दोपहर 3:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिल्म जगत की अगर बात करें तो फिल्म जगत में एक अनोखी छाप श्रीदेवी ने छोड़ी थी। उनका अभिनय सभी को पसंद था और लेडी अमिताभ बच्चन श्रीदेवी को कहा जाता था। 4 साल की उम्र से श्रीदेवी ने अपने अभिनय की शुरुआत की और उसके बाद से आज तक उन्होंने फिल्म जगत में एक अनोखी छाप छोड़कर रखी है। मॉम फिल्म जब उनकी आई थी तो एक उम्दा कलाकारी, उन्होंने उम्दा अभिनय किया था और सभी दर्शकों को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ लिया था, क्योंकि श्रीदेवी ने फिल्म जगत से अपना संबंध जो है कुछ दिनों के लिए बनाया नहीं था। उन्होंने फिल्म जगत से दूरियां बना ली थी, लेकिन वापसी उन्होंने की। इंग्लिश विंग्लिश उनकी मूवी आई जिसे काफ़ी सराहा गया, काफ़ी पसंद किया गया। मॉम फिल्म को उनकी काफ़ी पसंद किया गया। तो करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में श्रीदेवी ने काम किया है। तो फैंस की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी दुख में हैं। उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से अपना दुख जाहिर किया है वो सुनिए। बस सुबह 8 बजे से इधर ही हम जू में आए थे पहला। 8 बजे से आए थे, हम लोग को कोई भी उधर अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर 2-3 घंटे में आएगा बोल रहे, कोई सच्ची नहीं बता रहा। तो शाम को हम लोग को 7 बजे मालूम पड़ा, 10-11 बजे तक आएगा, इधर आएगा बोले तो हम लोग उधर से बस से आए। हम लोग को दर्शन करने के लिए रात भर इधर ही धीरे धीरे में कम से कम यकीन तो शायद कोई नहीं करेगा, 20 साल से उनको देखने की हसरत है। तो लेकिन ऐसा पता नहीं था कि उनके मरने के बाद में शायद उनको देखना मैं हसर, ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं उनको जीते से नहीं देख पाया और बात मरने के शायद एक बार देखने का चांस उनका जो नागिन पिक्चर गया है, तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन बोलूँ तो आपका मैं बता नहीं सकती, मैं इतना बड़ा फैन हूँ। तो रात का मैं छोटा सा बच्चा है उसको छोड़ के इधर रात का 2 बजे से 2:30 बजे जैसे हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ जो उनको अंतिम पर एक बार देखने के लिए, हमेशा तो ख्वाहिश था जो एक बार देखूँ लेकिन शायद नसीब नहीं था। अभी अगर हो जाए तो देखूंगी। मुझे जन्म दिया एक माँ, मेरी ये है क्योंकि मैं डांस सिखाता हूँ, मैं एक डांस मास्टर हूँ और इनके कान पर मैंने इनको देख के मैं डांस सीखा हूँ और इनको देख के मैं डांस कर रहा हूँ आज। उनका जो स्माइल, उनका जो आदा है, उनका जो स्टाइल, वो मैंने अपने ऊपर अंदर मैं लेके मैं बच्चे लोग को मैं सिखाता हूँ। जब मैं सुना तो मैं बहुत शौक हो गया क्योंकि मतलब एकदम सुस्त, एकदम इतनी अच्छी, हाँ ये हमारे ये मैडम है इतने अच्छे। तो हमारे साथ रूपा गांगुली फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। रूपा जी, जिस तरीके से श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही हैं, हम सभी उस दुख से, उस मंजर से गुजर रहे हैं और बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड भी सदमे में है, कितना असर हम सबके जीवन पर पड़ेगा? जी रूपा जी,
क्या है, ये जब हमने सुना था तो ज्यादा शॉक्ड हो गए थे. ये इतना अचानक हुआ और वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी फोकस्ड है, इतनी हार्ड वर्कर है जी. और एक ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा अपने काम को बड़ा ध्यान रखकर किए हैं. और ये सुन के इट वॉज अ वेरी शॉकिंग न्यूज. एंड आई रिमेम्बर जब मैं एकदम शुरू शुरू में आई थी, वो जिदेन शी वॉज अ टॉप हीरोइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1992-89 में मैं सीरियल में पहला काम करना शुरू किया जी. तो वहाँ पे जब एक फिल्म होती थी उनकी चिरंजीवी के साथ, उसका एक साउथ इंडियन नाम है बट इट अ हिंदी वर्जन था, कुछ आदमी और अप्सरा ऐसा कुछ नाम था, आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर. एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट चिरंजीवी, आई वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फैन ऑफ चिरंजीवी, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ चिरंजीवी एंड इनका भी श्रीदेवी जी का भी. जब मुझे पता चला कि वो दोनों का आपस में कुछ झगड़ा चल रहा था और बात नहीं करते थे एक दूसरे से, तो मैंने वो फिल्म ना उसके बाद बीइंग एन एक्टर आई वॉच दैट फिल्म फॉर आई थिंक 10-15 टाइम जस्ट टू फाइंड आउट कि इतने दोनों खूबसूरत एक्टर जी, मतलब ऐसे बड़े परफॉर्मर किस तरह से इतना खूबसूरत परफॉर्म करके जा सकते हैं जहां पे एक दूसरे से बात नहीं करते जी. मतलब किस तरह से पब्लिक रिलेशन और प्राइवेट रिलेशन, पर्सन रिलेशन, झगड़ा हुआ था, कभी बहस हुआ था, कोई रोल लेकर कुछ हुआ होगा, एक्टर है दोनों तो कुछ रोल लेकर हुआ होगा, बट फिल्म में देखो आप. हाँ, रूपा जी बोल सकते हैं कि श्रीदेवी एक अच्छी ऐसी अदाकारा थी कि जिस तरीके से आपने पूरा किस्सा बताया कि झगड़ा होने के बाद भी उनका अपने अभिनय पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया. मैं 15 बार वो फिल्म देखने के बाद भी एक शॉट नहीं ढूंढ पाई जिस शॉट में मैं बोलूं कि इसमें वो थोड़ा सा कमी थी उनके परफॉर्मेंस में, एक शॉट नहीं. मैंने वो उसीलिए मैंने 15 बार वो फिल्म देखी जी. And she was always a heartthrob. She was always a very, very respected artist. बहुत चुपचाप रहती थी, बात नहीं करती थी, quiet थी, बहुत concentrate करती थी अपने काम पे. And बहुत shocking news. It's a very sad news. It's a big loss for the. बिल्कुल रूपा जी, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है. आम जनता की भी बात करें तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि करोड़ों दिलों की धड़कन थी, करोड़ों दिलों की छाप, करोड़ों दिलों पर छाप श्रीदेवी ने छोड़ रखी थी. आपके साथ भी कुछ अच्छे पल उनके रहे होंगे जो अब जिंदगी भर याद रहेंगे, या फिर उनकी कमी कहीं ना कहीं खलती रहेगी? हमेशा रहेगी वो जी. तो रूपा जी, अब बॉलीवुड पूरा सत्य में आ गया है, शोक की लहर है, और बॉलीवुड में उनकी कमी को शायद कोई भर नहीं पाएगा. और जिस तरीके से जितनी भी फीमेल स्टार्स हैं, फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनमें लेडी अमिताभ बच्चन उन्हें कहा जाता था, तो एक ऐसी छवि उन्होंने कहीं ना कहीं बनाई हुई थी. हाँ, एक्चुअली देखिए, एक्ट्रेस और इनका इसमें एक फायदा नहीं कहना चाहिए, बट बेसिक थिंग इज वो सबके दिल में रहेगी. उनके काम हमेशा पर्दे में रहेगी जी, रहेगा, और वो हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा जीवित रहेगी. हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे नेक्स्ट जेनरेशन एंड द नेक्स्ट जेनरेशन एंड द नेक्स्ट जेनरेशन विल ऑलवेज रिमेम्बर आर्टिस्ट लाइक हर, एंड दैट्स द ब्यूटी शी हैड क्रिएटेड ऑन द स्क्रीन जी. चलिए रूपा गांगुली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए. लेकिन जिस तरीके से श्रीदेवी की अभी उन्होंने किस्सा बताया कि फिल्म के दौरान उनका झगड़ा हो गया था, बातचीत वो दोनों आपस में नहीं करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अभिनय पर, अपनी एक्टिंग पर कुछ असर नहीं होने दिया, और बहुत उम्दा और बहुत अच्छा अभिनय जिस तरीके से वो हमेशा करती आई हैं, उसी तरीके से पर्दे पर वो नजर आई और अभिनय उन्होंने किया.
तो चांदनी के आखिरी सफर की हम बात कर रहे हैं, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही। बॉलीवुड का एक उम्दा सितारा जो सबकी आंखों में चमक देता था, सबको रोशन कर रखा था, हर किसी के दिल पर उन्होंने छाप छोड़ रखी थी, आज वही सितारा हम लोगों के बीच में नहीं रहा है। लेकिन बॉलीवुड में किस तरीके से शोक की लहर है, किस तरीके से कलाकारों ने अपने दुख को प्रकट किया है, देखिए। बॉलीवुड में शोक की लहर है, तमाम जानी मानी हस्तियां इस खबर से सदमे में है। सुबह उठते ही लोगों के पास जैसे ही ये खबर पहुंची, वैसे ही लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि ये हुआ तो क्या हुआ। किसी को पता भी नहीं था कि शादी में गई बॉलीवुड अदाकारा इस तरह से सबको छोड़कर चली जाएंगी। Unbelievable. She was not suffering anything. She was not a sick person. She was absolutely fit. She herself was a fitness freak, you know. She was for some time my neighbor also. So even staff, she was such a humble, beautiful girl, you know, beautiful lady. And ये helping out होते हैं, staff होते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, तो बताते थे कि यार वो सबका इतना ख्याल रखती थी। She was down to earth. एक सच्ची महिला जिसने कम लोगों को, बहुत अंतर्मुखी, कम बोलने वाली, कम लोगों से रिश्ता रखने वाली, अभिनय करते समय अपने कथित भूमिका की आत्मा और खाल में घुसकर उसकी प्रतिमूर्ति बन जाने वाली, ऐसी क्षमता रखने वाली। ये बिलीव नहीं हो रहा है कि श्रीदेवी जी जैसी एक्ट्रेस हमारे बीच में आज नहीं है। एक बहुत बड़ा सदमा है एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आज सुबह सुबह जब ये खबर सुनने को आई कि श्रीदेवी जी का निधन हो गया है, ये तो पहली सुनते ही ये बिलीव नहीं हुआ, ये न्यूज़ कैसा हो नहीं सकता है। श्रीदेवी जी एक महान कलाकारा है हमारी इंडस्ट्री की, और ये ट्रेजिडी एक बहुत बड़ा सदमा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो श्रीदेवी,